तो दोस्तों अभी आपके सामने जेमेस 2023 का ये क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको ये एल्कीन दिया गया है। सबसे पहले आपने उसका क्या करवाया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, BH3THF लगाया, H2O2NaOH लगाया, और इसके बाद हमने क्या किया, PCC से उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाया। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट बना, उसके बाद हमने ये रिएजेंट लगाया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने लगाया, RMGX को हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो हमने ये लगाया, CH3MgBr लगाया, उसके बाद लास्ट में हमने उसको H2O दे दिया। तो अब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, तो इतनी सारी चीजों के बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे को याद है इसके बाद PCC है, उसके बाद CH3MgX है, उसके बाद H2O है। इसके बाद दोस्तों ये क्या है आपका BH3THF, या फिर दोस्तों यहाँ पर B2H6 भी लिख सकते हैं BH3 की जगह, तो ये दोनों एक ही बात है, BH3 और B2H6, क्योंकि BH3 जो है आपका डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये BH3 प्लस BH3 आपका B2H6 हो जाता है। तो ये क्या है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये है आपका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। और जब भी आपको दोस्तों ऐसा दिया जाए, क्योंकि ये आप एल्कीन में करवाएंगे, तो यहाँ पर एक रूल आप लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल आपको लगाना है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, सबसे पहले हम मार्कोनिक ऑफ रूल को समझते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल दोस्तों क्या कहता है आपका, आपको दोस्तों मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि जहां पर आपके ज्यादा हाइड्रोजन हो, जहां पे आपके ज्यादा हाइड्रोजन हो, वहां पे डबल बॉन्ड खुलने के बाद आपका हाइड्रोजन जाएगा, और जो बाकी चीज है जैसे कि यहाँ पर OH है, तो वो दूसरे कार्बन पे आ जाएगा। लेकिन ये है आपका मार्कोनिक ऑफ रूल कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पर हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, इसका उल्टा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन नहीं जाएगा, वहां पर दूसरा ग्रुप जाएगा, तो ऐसे OH जाएगा, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, मैकेनिज्म की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता एसिड बेस ऑक्सीडेशन आपका लिखा होता ऐसे H2SO4 और H+ लिखा होता, तो आप सिंपल वाला रूल लगाते, वो कौन सा है, मार्कोनिक ऑफ रूल। या फिर आपका ऐसा लिखा होता ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन आपने करवाया होता, HgSO4 H2SO4 लगा होता, तब भी आप क्या लगाते, मार्कोनिक ऑफ रूल। लेकिन ये एक स्पेशल रिएक्शन होता है जिसमें लगता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाने के बाद हमारा क्या बन चुका है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाने के बाद हमारा दोस्तों बन चुका है ये CH2 के ऊपर OH, CH2 के ऊपर हमारे लग चुका है OH। अब इसके बाद हमने दूसरा स्टेप हमारा कौन सा था, इसके बाद दूसरा स्टेप था हमने लगाया था PCC। तो PCC यानी कि दोस्तों पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेगा। आप जानते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद, अगर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका क्या देता है, RC(OH) आपका एल्डिहाइड देता है, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका एसिड दे देता है RCOOH। तो अब यहाँ पर दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा ही आपका ऑक्सीडाइज करेगा OH को C(OH) बना देगा। तो अब क्या है दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, यहाँ पर PCC की जगह आपको CrO3 भी लिख सकते थे, हैलोजन भी लिख सकते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत फेमस आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, तो ये जो अल्कोहल है ROH है, ये क्या बन जाएगा RC(OH), यानी कि अब ये जो OH है ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, जहां पर OH है वहीं पर आपका एक एल्डिहाइड बन जाएगा, तो CH3CH2C(OH), तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया ठीक है कि मैंने क्या करवाया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डील किया पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट से, तो ये CH3CH2OH बन गया। इसके बाद मैंने क्या लगाया था, इसके बाद दोस्तों मैंने लगाया था CH3MgBr, और ये क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट है आपका। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का दोस्तों एडिशन कैसे होते हैं देखिएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर एक जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऊपर रख लेता है, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज,
और वैसा ही Mg क्या है, मेटल है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Mg क्या है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Mg आपका कैटायन बनाना चाहेगा। तो CH3 Mg Br में आप देखें तो CH3 के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और Mg Br के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर किसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद ये डबल बॉन्ड मैंने खोला, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, आपको क्या करना है प्लस माइनस में जोड़ देना है। तो माइनस के पास आपका जाएगा प्लस वाला, तो ये जो Mg Br है इसके पास चला गया, ये CH3 इसके पास चला गया। तो अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आप दोस्तों ये बन चुका है, ये तो ठीक है, ये आपका CH2 CH3 ये तो पहले से है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ आप क्या यहाँ पर क्या लग गया, ओ पे माइनस था तो Mg Br वहां पे लग गया, तो ओ Mg Br हो गया, और जो C था उसके ऊपर प्लस था तो उसके ऊपर एक और CH3 आपका आके लग गया। तो अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो इसके मैं ऐसे बना सकता हूँ CH3 CH2 CH CH3 O Mg Br, तो ये आपका आ चुका है। और हमने लास्ट स्टेप में क्या किया था, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, लास्ट स्टेप दोस्तों था पानी था, सिंपल पानी हमने लिया था, लेकिन वो पानी भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही है बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर H2O आपने लगाया, यहाँ पर H2O आपने लगाया, तो H2O से क्या आया दोस्तों, H+ आया और OH- आया। यहाँ पर Mg के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आया, H+ आके लगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Mg Br के ऊपर प्लस है तो वो लगा OH से, तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, H+ जो है आपका लग गया O से, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका O के साथ H बन गया, और O के साथ H क्या होता है आप भी जानते हैं, एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन के आया, इतनी सारी हमने रिएक्शन करवाई तो हमारे ये प्रोडक्ट बन के आ चुका है। इसका IUPAC नेम आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, इसको हम कैसे IUPAC नाम लिखेंगे, तो आप इसको ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली एम्स क्यूज की लैब का वीडियो पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, और JEE PY क्यूज की और MCQ एग्जाम नीचे की डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।